तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम पीएनपी और एनपीएन सेंसर को कनेक्ट करेंगे पीएलसी के साथ। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमें वायर करना है सेंसर को, और सेंसर को हम कनेक्ट करेंगे पीएलसी की इनपुट साइड पे। जो हम सेंसर यूज करेंगे वो डीसी सेंसर होंगे, और मैं पूरी वायरिंग प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और साथ में सर्किट डायग्राम भी दूंगा। ये जो वायरिंग है ये हर पीएलसी मॉडल पे वैलिड होगी, चाहे वो ओमरॉन की पीएलसी हो, चाहे वो एलन ब्रैडली की माइक्रोलॉजिक्स हो, और चाहे वो डेल्टा की पीएलसी हो, सभी पीएलसी में यही वायरिंग रहेगी। आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और आपको हर एक चीज क्लियर हो इस वीडियो में, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। एक पीएलसी में वायरिंग समझने के लिए पहले ये समझ लो कि पीएलसी में हमारे इनपुट टर्मिनल्स होंगे और आउटपुट टर्मिनल्स होंगे। सेंसर जो हम यूज करेंगे वो डिजिटल सेंसर होंगे जिसको हम इनपुट साइड पे कनेक्ट करेंगे। डिजिटल सेंसर का मतलब ये होता है जब सेंसर के सामने टारगेट आएगा या जाएगा, सेंसर हमें हाई लो वोल्टेज देता है। कहने का मतलब ये है या फिर मेरे को 24 वोल्ट डीसी देगा या फिर 0 वोल्ट देगा सेंसर। ये चीज आपको समझना जरूरी है क्योंकि जो हम सेंसर यूज करेंगे पीएलसी के साथ, पीएनपी और एनपीएन, वो दोनों डिजिटल सेंसर है, और हमारी पीएलसी भी इनपुट साइड पे डिजिटल ही इनपुट रिसीव करेगी। जब भी आप कोई भी पीएलसी लोगे आप इनपुट साइड पे देख सकते हो एक टर्मिनल होएगा कॉमन का या सोर्स सिंक का टर्मिनल होएगा। वहां पे करना क्या है, अगर मैं मान लो वहां पे 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देता हूँ सोर्सिंग टर्मिनल पे या फिर कॉमन टर्मिनल पे, तो मेरे जो इनपुट्स होंगे पीएलसी के वो वहां पे सोर्सिंग इनपुट होंगे। ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अब देखो हम वायर कैसे करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनपीएन सेंसर को कैसे वायर करेंगे। अब देखो पीएलसी के जब सारे टर्मिनल सोर्सिंग इनपुट टर्मिनल है तो उसमें हम सिर्फ एनपीएन टाइप का सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक एनपीएन टाइप सेंसर की ब्लैक वायर जो आउटपुट वायर है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे पीएलसी के इनपुट टर्मिनल से। तो हो क्या रहा है, पीएलसी तभी हमें रीड करेगा जब सेंसर के सामने टारगेट आ जाएगा। सेंसर के सामने जब टारगेट आएगा तो नेगेटिव वोल्टेज देता है एनपीएन टाइप का सेंसर। और होगा क्या, जब सोर्सिंग टर्मिनल पे हमने 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दी और इनपुट टर्मिनल पे हमने एक नेगेटिव वोल्टेज दी सेंसर के थ्रू, इससे हमारा पीएलसी उसको रीड कर लेगा और इनपुट पे हमें दिखाएगा कि सिग्नल रिसीव हो चुका है। पीएलसी की वायरिंग देख लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहाँ पे पीएलसी है मेरे पास डेल्टा की DVP12SA2, और मैं आपको बताऊंगा कि पहले हम पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। ये पीएलसी 24 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट करती है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर टर्मिनल्स लिखे हुए हैं, और इसके साथ आपको कनेक्टर भी मिलेगा जिसमें आपको 24 वोल्ट, 0 वोल्ट और ग्राउंड के तीनों के कनेक्शन करने के आपको पॉइंट्स मिलेंगे इसी कनेक्टर के साथ। मैं SMPS यूज़ करूँगा जो 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करती है, और मैं इन दोनों के आपस में आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। इसमें मैं रेड वायर जो 24 वोल्ट DC की सप्लाई पॉइंट है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा, और जो ब्लैक वायर है उसको 0 वोल्ट या नेगेटिव वोल्ट के साथ कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए होती है, अगर हम अर्थिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो पॉइंट भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पहले हम सप्लाई ऑन करेंगे, और जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे मेरी पीएलसी की पावर ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्शंस किस तरह से किए, और SMPS भी मेरी ऑन हो जाती है। और अब मैं आपको NPN सेंसर के कनेक्शन दिखाता हूँ कि पीएलसी के साथ कैसे करेंगे। NPN सेंसर में ब्राउन, ब्लू, ब्लैक होती है। ये सेंसर 10 से लेके 35 वोल्ट DC पे ऑपरेट करता है। तो ब्राउन वायर को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो ब्लैक वायर है उसको X0 के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें सिंक सोर्स का टर्मिनल डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं सिंक सोर्स, या आपकी पीएलसी में भी लिखा होगा कॉमन टर्मिनल, उसको हमें पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करना है जब हम NPN सेंसर को यूज़ करेंगे। और ब्लैक वायर को हम X0 पे कनेक्ट कर देंगे जो पीएलसी की इनपुट पॉइंट होगी, और जो इसकी ब्लू वायर होगी उसको नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कनेक्शन एकदम क्लियरली आपके सामने मैंने कैसे कैसे किए हैं।
सेंसर और पीएलसी के। यहाँ पे सेंसर मैंने एनपीएन टाइप सेंसर यूज़ किए, और जैसे ही कोई टारगेट आता है सेंसर की बैकलाइट इंडिकेशन में भी चेक कर सकते हो कि सेंसर मेरा ऑपरेट कर रहा है, और पीएलसी की इनपुट साइड पे भी आपको इंडिकेशन लाइट मिल जाएगी कि पीएलसी मेरा सिग्नल रिसीव कर रही है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे पीएलसी प्रोग्रामिंग में आप ये भी देख सकते हो कि पीएलसी सिग्नल रिसीव कर रही है नहीं कर रही। आपको रन मोड पे पीएलसी को डालना है जब भी आप पीएलसी पे काम करो। एक पीएनपी टाइप सेंसर के लिए हम क्या करेंगे, सोर्सिंग टर्मिनल पे हम 0 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे। सोर्सिंग टर्मिनल हो सकता है आपकी पीएलसी पे या फिर कॉमन टर्मिनल हो सकता है, और जो इनपुट पॉइंट्स हैं वहां पे हम कनेक्ट करेंगे पीएनपी सेंसर की आउटपुट पॉइंट। जो आउटपुट पॉइंट होता है सेंसर का वो ब्लैक वायर होता है, और वो ऐसा इसलिए जो हमारा सेंसर होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज देता है, हमारा पीएनपी टाइप सेंसर, और हमारी जो पीएलसी की जो इनपुट है वो यहाँ पे सिंकिंग इनपुट एक्ट कर रही है। और अब पूरा आप कंसेप्ट समझ चुके हो कि सेंसर को पीएनपी हो या एनपीएन हो हम कैसे वायर कर रहे हैं एक पीएलसी के साथ। तो ये रहा मेरा फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर जो एक पीएनपी एनओ टाइप सेंसर है, और मैं इसकी वायरिंग दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्ट करेंगे पीएलसी के साथ। आप देख सकते हैं कि ब्राउन वायर मैंने पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट की और ब्लू वायर नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट की। जो सेंसर की ब्लैक वायर है आउटपुट वायर, उसको मैंने X0 इनपुट के साथ कनेक्ट की जो पीएलसी की पहली इनपुट पॉइंट है। X0 पीएलसी का इनपुट पॉइंट है, मैंने वहाँ पे कनेक्ट किया। और अब मैं क्या करता हूँ, सिंक सोर्स टर्मिनल से एक वायर निकालता हूँ, उसको डायरेक्टली मैं नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इससे मेरे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं पीएनपी टाइप सेंसर और मेरे पीएलसी के। आप देख सकते हैं कि कैसे किए कनेक्शन। और जैसे ही कोई टारगेट आता है सेंसर के सामने, सेंसर सिग्नल देता है पीएलसी को, और सेंसर की बैकलाइट इंडिकेशन में भी चेक कर सकते हो कि मेरा सेंसर सिग्नल दे रहा है। और अब पीएलसी में भी इंडिकेशन लाइट लगी हुई है इनपुट साइड पे, और आप देख सकते हो कि पीएलसी सिग्नल रीड कर रहा है पीएनपी सेंसर से। और पीएलसी को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 9 पिन का कनेक्टर यूज़ करूँगा, और ये जाके एक RS232 में जाके कनेक्टर के साथ कनेक्ट होएगा, आप देख सकते हो। और इस RS232 कन्वर्टर इनटू USB को मैं फिर अपने PC में कनेक्ट करूँगा जिससे मैं प्रोग्रामिंग कर पाऊँ। इसका सॉफ्टवेयर होता है ISP Soft, और आप इनपुट साइड पे 2 सेंसर देख सकते हो जो दोनों PNP साइड है। और जैसे ही एक सेंसर पे टारगेट आता है तो आप देख सकते हो सेंसर हमारा ऑपरेट होता है, और उसी के साथ मेरा आउटपुट भी चलता है। ये OR गेट का लॉजिक है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे ऑपरेट होते हुए। यहाँ पे 2 बातों को समझना जरूरी है कि एक है हमारे पीएलसी इनपुट्स और एक है हमारे सेंसर्स। हमारे पीएलसी इनपुट भी एक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्सिंग और सिंकिंग टर्मिनल, पर हमारे सेंसर भी एक्ट करते हैं सोर्सिंग और सिंकिंग। इस तरह समझो, जब हमारा पीएनपी सेंसर हमें पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा है तो हमारा पीएनपी टाइप सेंसर हमारा एक्ट कर रहा है एज अ सोर्सिंग इनपुट, और जो हमारा एनपीएन टाइप सेंसर है वो जब हमें नेगेटिव वोल्टेज देता है तो वो एक्ट कर रहा है एज अ सिंकिंग इनपुट। तो आप समझ सकते हो कि जब मेरा एक सोर्सिंग इनपुट का सेंसर होएगा तो मेरा जो टर्मिनल होएगा वो एक सिंकिंग इनपुट का टर्मिनल होएगा, और जब मेरा एक सिंकिंग इनपुट का सेंसर होएगा तो मेरा सोर्सिंग इनपुट का पीएलसी टर्मिनल होएगा। ये बातें जब आप समझ जाओगे तो आप कोई भी पीएलसी लो, कोई भी कंपनी की, वायरिंग सेम रहेगी। और मैं आपको सर्किट डायग्राम भी साथ में दूंगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो, जिसे आप लोगों की प्रैक्टिकली भी हेल्प हो जाए कि हम कैसे वायरिंग करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको वायरिंग प्रैक्टिकली समझा सकूं और आपको हर एक चीज कंसेप्चुअली बता सकूं कि कैसे हमें पीएलसी की वायरिंग करनी है इनपुट साइड पे। मैं आने वाली वीडियोस में आपको आउटपुट टर्मिनल्स भी बताऊंगा कि हमें आउटपुट पे कैसी वायरिंग करनी है, जिसे आप लोग पूरा कंसेप्ट समझ पाओ कि वायरिंग पीएलसी में कैसी होती है। और मैं कुछ वीडियोस ये भी बताऊंगा जिसमें मैं पीएलसी के बेसिक्स भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको पीएलसी के लैडर लॉजिक और जितनी भी ऑटोमेशन प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री में फेस करते हैं उन सबको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा अपने चैनल पे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।